लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आज देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज करने की अनुमति की बात कही है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो भी अस्पताल इस तरह का इलाज करना चाहते हैं, वे तत्काल ईमेल के माध्यम से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे कि वे गाइडलाइन का पालन करते हुए इलाज करेंगे और उन्हें तत्काल अनुमति मिल जाएगी। मध्य प्रदेश से श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज करने की इच्छा जाहिर की है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस थेरेपी के माध्यम से कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के बेहतर प्रबंधन के चलते मृत्यु दर अब 10% से घटकर लगभग 4% रह गई है। इसके साथ ही साथ कोरोना से निपटने के लिए समुचित प्रबंधन किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।